स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आपको प्रोफेशनली तरीके से फ़ोटो को रिसाइज करना हो तो सबसे पहले स्टार्ट बटन एडोब फोटोशॉप पे गए, ओपन किए, यहाँ पे फाइल ओपन, यहाँ फ़ोटो ले लिए, फुल कर दिया इसको, थोड़ा ये जहाँ पे था वहीं पर है, ये कर दिए। यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर ले लीजिए ताकि इस फोटो पे कोई प्रभाव ना पड़े। हमने इसको इसमें चूँकि ये ऑलरेडी स्कैन किया होगा फ़ोटो, तो ज़्यादा एडिट वगैरह नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, फिर कॉपी कर दे रहा हूँ, कॉपी कर दिया, फिर न्यू न्यू में गए, फ़ोटो लिख दिए। इसका पिक्सल में मांगता है अक्सर, तो जो भी मांगेगा 320 × 320 मांगता है और रेजोल्यूशन बोलता है 100, तो रेजोल्यूशन हमने 100 रख दिया। RGB मोड है, वाइट, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो भी चाहिए जैसे चाहिए वैसे, ऐसे डिफ़िकल्ट ऑप्शन RGB ही रखा जाता है। ओके कर दिया और यहाँ पे एडिट में गए, पेस्ट कर दिया, फ़ोटो आ गया अच्छे ढंग से, फिर एडिट और फिर ट्रांसफॉर्म में कर दिए। आप यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे तो बेटर रहता है, ऐसे शिफ्ट दबानेंगे तो चारों तरफ से बढ़ता है, बस इतना ही रहने देते हैं ऐसे। क्योंकि मेरा माउस ऐसे यहीं पर रहने देते हैं और सेव कर देते हैं, क्योंकि हमें फॉर्म भर रहे हैं उसमें करना है। तो हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव एज वेब पेज पर क्लिक करेंगे। ये 51 KB हो रहा है, चूँकि हमें इसे 20 KB में ही लाना है, तो हम इसको यहाँ पे क्वालिटी 70 कर देते हैं। देखिए शायद हो सके तो आ जाए, 19 आ गया, हम सेव कर दे रहे हैं। फ़ोटो डेस्कटॉप पर ही सेव कर दे रहे हैं, फोटो न्यू न्यू कर दिया, ये सेव होगा। अब इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं। अब पूर्वतः की भांति मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट ये यहीं ओपन हो गया, मान लीजिए सिग्नेचर है, सिग्नेचर ओपन हुआ, तो इसको भी सेम वही प्रोसेस करना है। इसका डुप्लीकेट लेयर कर देना, डुप्लीकेट लेयर करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ऑल सेलेक्ट करके फिर कॉपी कर देना है, कॉपी करके फिर न्यू ले लेना है, न्यू पे क्लिक कर देना है, पिक्सल ही रहेगा। अब कैसे मांगता है, यहाँ पे मान लीजिए 200 हो और यहाँ पे ये 50 हो, फिर इंटर कर देना है। रेजोल्यूशन 100 रखना है चूँकि यहाँ पर 72 छूट गया, फिर कॉपी कर देना है और इसको सेव कर देना है, सेव फॉर वेब पेज। अब यहाँ पे 70 रखा गया, तो आप यहाँ पे 100% रख सकते हैं, 100 से अधिक नहीं होगा। और ये सिग्नेचर आप सेव कर दीजिए, आशा कर रहा हूँ कि समझ में आया आपको।